बच्चों को गोदी ले लेकर के खवा को ऊपर चढ़ा चढ़ा के प्राइमरी स्कूलों के अंदर में ले गया। सास बहू का अनुचित प्यार दिन और रात रहे तकरार, होने के बुलंदी पर मेरे ख्यालात भी है, मालूम तरक्की के मुकामात भी है, लेकिन खुदा ने दिया है मुझे जितना सुलझा हुआ जहन उतने ही उलझे हुए मेरे हालात भी। राम राम जी। मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची बुआना तहसील के अंदर लामी अहिर गांव आवा है बड़े में आई हूं, और मैं बताना चाहूँ कि मैं काफी इंटरव्यू करू हूँ, काफी मारी देसी मुलाकात थी। मैं आवी ही जया काफी बड़ा बुजुर्ग हुई ही, लेडीज हो जाए जेंट्स, और काफी जया जो फौज रिटायर हुई है दादोजी वगैरह बाकी मैं लेके हूँ। आज मैंने एक का दादोजी मिला है जो 90 साल का ही, और मैं थन बताऊँ तो ये टीचर ही ऑलराउंड ये सोकिया का टीचर ही रिहेड़ा ही, और ये बी टाइम का टीचर रेड़ा ही। 1955 में ये टीचर लग गया है, और देखा तो ये 34 साल जॉब है बकरी ही। और तो आखिर पढ़ाई है भी के बारे में जानेंगे कि पहला क्या मास्टर पढ़ाता, की तरीका ये पढ़ा, कौन सी पढ़ाई करी और ये की तरीका पढ़ाया करता, मतलब काफी चीज ही आप सीखने मिलेंगे। क्योंकि काफी मैं भी वीडियो बड़ा बुजुर्ग का बनाऊ तो बाके अंदर कभी टीचर का वीडियो मैं बनाया कौन, तो दादोजी भाई सरकारी गवर्नमेंट टीचर हा, पढ़ाया करता, अध्यापक हा, वह ये काफी चीजें ही आप बताऊंगा पहले की तरीका पढ़ाई होया करती, परसेंटेज ही भाई की तरीका देखा करता, और जल्दी सी बच्चा ही पहले नौकरी लग जाया करता। तो ये वीडियो थे उसके जितनो थरे यार दोस्त तक शेयर कर दी, और आपने साथ में यही बना रही हूँ। अभी मेरे साथ में दादाजी ही, और दादाजी की मैं बात बताऊँ तो कभी भी देख लियो कि जो टीचर हुई है अध्यापक हुई है बुक ही बाकन पड़ी रहा, मतलब बुक का बा रूम हो चाहे कुछ भी बुक का वह भंडार ही हुई एक तरीका, और एक हमेशा एक चीज पक्का नोट करियो वो जो बाकी जेब हुआ है भी जेब का अंदर पेन है चाय को पेन है वो पक्का मिलेगो हमेशा मिलेगो, मतलब काफी नौकरी वह लोग भी रिटायर हुए ही पर टीचर का जो जेब हुआ है चाहे ऊपर की जेब हो चाहे नीचे की जेब पक्का पेन है वो मिलेगी, जैसे कि दादोजी हिम्बा भी ऊपर की जेब में पेन है वो डाल रखे, और बुक मतलब अपने पास में हडिन बुक रख रखी है, साइड में बुक रख रखी है, अलमारी है अलमारी में भी बुक है ना वह काफी रख रखी। मैं बताऊं तो दादाजी मैं बातचीत कर सू, और काफी मैं एक बात और बताना चाहूँ कि दादाजी मन खुद बतायो कि बेटी मैं तेरा वीडियो देखूं, और आज तो आएगी। राम राम। राम राम। कै साल का होगा दादाजी? 90 साल। 90 साल का होगा। के नाम है थारो? याद राम बोलते हैं हमारे गांव के अंदर, कागजों में यादव राम। अच्छा, याद राम। याद राम को के मतलब हुआ, थोड़ा सा एक बार हम बताओ। याद राम का तो आप भाषा देख लो, याद राम जिसके राम याद है वो याद राम है जी, वैसे नाम तथा गुण नाम के अनुसार गुण भी नहीं मिलते हैं है जी। ये कढ़ाया है ना कहे काका कविराय, अरे सुनो ये मेरी सबसे विनती, इस याद राम के याद नहीं मुश्किल से सोते गिनती, ऐसे उल्टा भी हो जाता। राजस्थानी ये कहावत है ना, बताओ बताओ। पूरी याद नहीं के भगता देखा सूरा, मर्द भला लटूरा ऐसे ऐसा। दादाजी आप बात करना तो थारो जन्म है वो कब हुयो? जन्म तो आप पहले लिखा नहीं करते थे ना, फिर मान लेते इतना तो बेरो मन यू बेरो है कि देसी बाण में की साल के अंदर बड़े भाई की शादी थी, उस समय लोग ये कह रहे थे कि कोई कहने लगा बरात दे चलो कोई टाल कर, 1992 में देसी समय थी ना, तो उस समय कम से कम दो वर्ष ढाई वर्ष तीन वर्ष का तो होगा, तो 89 के लगभग मानते हैं, तो 90 साल हो जाते हैं। बात करें तो दादाजी 1947 में अपना देश आजाद हुआ, ठीक है, तो थे कब टीचर लागे? मैं टीचर 3 दिसंबर 1955 को टेम्परेरी 5.5 महीना टेम्परेरी रह करके अल्डाना मिडिल स्कूल के अंदर, उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि ये 56 की जो होती है ना मई छुट्टी होती है ना जो 56 की, वहाँ हमारे को हटाते हैं, लेकिन उससे पहले ही 28, 29, 30 अप्रैल को इंटरव्यू हमारा ले लिया आगे लगाने के लिए, फिर 2 साल 56 से परमानेंट में बाटी भाग ले गए। अपा दादाजी एक बार थोड़े थोड़े बचपन में बात कर सकते थी, पढ़ाई लिखाई है जब मैंने पढ़ाई लिखा कथा थे पहली एक साल ए पास करनी पड़ती, दूसरी साल बे पास करनी पड़ती, हाँ जी, तीसरी साल पहली, चौथी साल दूसरी, तो दूसरी तक अपने गांव के पास में स्कूल से पास की, फिर तीसरी चौथी पांचवी भी स्कूल से पास की मैंने, अच्छा। फिर छठी सातवीं आठवीं मैंने पचेरी से पास की, अच्छा, फिर 9th में मैं चिड़ावा चला गया, वहाँ इंटर कॉलेज चिड़ावा के अंदर, वहाँ खर्चा के लिए तंगी रहने लगी, न्यू हॉस्टल में एडमिशन ले लिया था, वहाँ खर्चा में नहीं सका तो अलग से मकान लेकर के किराए रोटी बनाने के, और आड़ू का लाखों का जोड़ पराने छोपरा ओजू का जोड़ में से लकड़ी ईंधन तोड़ तोड़ करके
और हाथों रोटी बना करके 9th पास करी। मेरे साथ के सारे फेल हो गए, अब वहाँ मेरा मन नहीं लगा था। फिर 10th में चिड़ा यहाँ खेतड़ी आ गया, जय सिंह हाई स्कूल खेतड़ी। वहाँ पर मेरे लिए दिक्कत भी हुई, कुछ कोर्स की चिड़ावा के अंदर तो हिस्ट्री एक साल में इंडिया की पढ़ाते, दूसरी साल इंग्लैंड की पढ़ाते, खेतड़ी की व्यवस्था शादी आदि पढ़ाते, ऐसे अड़चन हुई। फिर भूल गए, यानी हमारे 8वीं तक मैं 1st-2nd आने वाले लड़कों में था, लेकिन वहाँ पर दूर जा करके हमारे बेड बिखर गए। छमाही परीक्षा में 3 नंबर आए मेरे इंग्लिश के अंदर, लेकिन मुश्किल से 3rd division से 10वीं पास की। मैं नौकरी लगने की व्यवस्था थी फौज के अंदर, खड़ा हुआ शीश राम जी, उस समय वो थे भर्ती कमांडर, खड़ा होगा लाइन के अंदर, 4 फीट जवान, ठीक है, 45 रुपये में। फिर मेरे को ऐसे बंधन का डर लगा, गोलियों का डर लगा, मैं निशान बुझान करके आ गया। फिर शीश राम जी जल बोर्ड के सदस्य थे, जिला बोर्ड के अंदर इंटरव्यू दिया मैंने, उसी समय फार्म भरा, उसी समय इंटरव्यू दिया शीश राम जी के सामने। प्रधान जी ये नंबरदार जी थे, पहले पुआनिया के प्रधान जी थे ना, प्रहलाद सिंह, ये नंबरदार ही थे। इनकी चिट्ठी लेगा, चिट्ठी जेब में गाल ली, पूछा आए बार शीश राम जी, यादव राम कौन है मैं मुझे देख गए। फिर इंटरव्यू हुआ मेरा, शीश राम जी आए, नंबरदार जी को कह देना चिंता मत करो आपका नंबर आ गया। उस बीच में फिर मैंने फार्म इंस्पेक्ट्रेट में भर दिए, सूर्य नारायण ब्रह्म भट्ट इंस्पेक्टर थे, और बैराठी कोई DI थे। अब यहाँ कड़ाखरी के बोरा से बोला हमारी मुलाकात है, 5 शेर गिरे जाओ और फार्म भराओ। वहाँ इंटरव्यू दिया, वो सूर्य नारायण ब्रह्म भट्ट जी ने, किन के हो, मको खातियों के हूँ, भले आदमी रे, रुपये में क्यों किसी के गुलाम बनते हो, मको जी काम नहीं मिलता है, हमारे ऑफिस में आओ, आरी बसौला लाओ, फर्नीचर सुधारो। सोचा ये कौन कहीं की नौकरी देगा, लेकिन 3 दिसंबर को मेरा टेम्परेरी नंबर आ गया। 2 दिन पुआनिया जिला बोर्ड की तरफ से पढ़ाती, 3 दिसंबर सरकारी स्कूल में गलराना ज्वाइन कर लिया मिडिल स्कूल के अंदर टेम्परेरी, फिर 2756 को परमानेंट सर्विस मिल गई मेरे को। दादाजी आप बात करा तो थिर जाए, मान लो कि थे तारी पढ़ाई की बात कर रहा, तो बी टाइम पर जो गुरुजी हुआ करता भाई थे पढ़ा करता, फिर थे पढ़ान ला गया, वो तो एक फरे को गोना कि भाई थे पहले तो पढ़ता जा कमो कम भाई 10-12 साल पढ़े हो लिखा हो सारा काम थे करे हो देखा तो बाद में थे जॉब ला गया हो, तो पहले थाने की तरीका पढ़ाया करता। अब जहाँ बात करा तो पहले का लोगों ने पढ़ाया भी कौन करता, थे 90 साल का होगा, पहले यहाँ बोलता कि कोई नहीं पढ़नो खेत में काम करो, या जहाँ थे जांगीड़ परिवार विलोम करो हो तो थारे लकड़िया को काम करी, जो जांगीड़ परिवार कोई मेरा मतलब को नहीं है खेण को कुछ गलत मत ले लियो, जहाँ दादाजी जांगीड़ परिवार ये विलोम कर रहे हैं भाई, जहाँ आपने देसी भाषा खाती बोला कर रही, तो दादाजी थनिया कौन क्यों दरवाजा बना लो, या आपने तो खुद को काम हुआ है यो कर। वो तो देखो मैं कारीगर कराने में ही पैदा हुआ, मेरा परिवार कारीगर था, मेरे पिताजी भी प्रसिद्ध कारीगर थे, मान लो मैं टीचर भी रहा, लेकिन फिर बाद के अंदर वो थोड़ा बहुत काम लकड़ी वाला भी उनको देखा, उनके आगे सेवा करी, उनकी काम करने का तरीका देखा, वो काम भी मेरे को आता था। और फिर बाद में बीच में मैं टीचर भी रहा, और मैंने लो भी कुटा, लो कुटा मतलब लोहार का काम, आयरन करने का काम, ये आसपास के 5-7 गांव उनके अंदर मैं प्रसिद्ध था, ये भीर बुआना जाट की लंबी थड़ी वगैरह सिगाना तक के लोग बाग आठ के काम कराने के लिए मेरे पास में आ करते, अब भी मेरे रास हजार रखे दे रहे हैं, सारा खेती भी करी मैंने, पशु भी पाले। दादाजी आपा जो बात करा तो थे जो पढ़ाया करता, तो थन की तरीका पढ़ाई कराया करता, पढ़ाई खूब अच्छी तरह से पढ़ाते बच्चों को, उनका कोर्स करवाते, खाली नहीं बैठते, बच्चे सामने देखते तो सोचता कि ये इनके घर वाले कोई गुआर जाता, कोई यूं जाता, कोई यूं जाता, वो काम थका करके यहाँ भेजते, अपने बच्चों के समान समझ करके उनको हमने पढ़ाया। हमारा ये चैलेंज भी रहा कि जैसे 100 टीचर हैं, 100 में से 50 में से मैं अच्छा हूँ और 50 से नीचा हूँ, बच्चों को गोदी ले लेकर के खवा को ऊपर चढ़ा चढ़ा के प्राइमरी स्कूलों के अंदर मैं ले गया। देवता गाँव है इधर, वहाँ नई स्कूल खुली 2री तक, अब ढाणियों के अंदर रास्ते में इतनी दिक्कत, पढ़ाऊँ देवता साथी जाए स्कूल के अंदर मैं रहूँ, आते जाते ढाणियों के अंदर छोटे छोटे बच्चे गुरुजी प्रणाम, फिर उसके माँ बाप माने छोटी पट्टी दे देते, चूरमा का पिंडिया कर देते, थैला दे देते, तो उन बच्चों को अंगड़ी पकड़ा करके खूहों पर चढ़ा चढ़ा करके, और 2.5-3 साल वहाँ बिताए, 70 लड़के हो गए वहाँ, 2 कमरे बनवाए वहाँ पर। अच्छा
पेड़ पौधे मैंने स्कूलों में बहुत लगवाए, पेड़ पौधा लगाने का गांव में भी मेरा शौक रहा, मेरे भाई का बढ़े। दादाजी तो, आप बात करा तो जय मालो थे बच्चा ने बाइक कन्होला बिठा बिठा की आंगली पकड़ पकड़ की कहीं भी वन बुढ़ा चपला की लेके जाता, और माँ बाप को भी एक मतलब दायित्व है की बच्चा ने स्कूल में भेजी वो थोड़ा बिन जय मालो की पिंडियो कर दियो चूरमा को ऐ छोटी छोटी चीजें टाबर पहले मान जाया करता। आज थारा टाबर जय मालो थे पढ़ाया करता टाबर जॉब लागे या अच्छो बिजनेस करता हूँ या कोई भी काम करता हूँ अच्छो तो बेथनाज भी मिलेंगे खूब इज्जत करेंगे मिलते पैरों पड़ते कोई एसपी है कोई थानेदार है कोई कैसे बड़ा बिजनेसमैन है। दादाजी मैंने थोड़ी देर पहले एक थी बात बता रहा नॉर्मली बैठे आप जदे कि जो हिंदू मुसलमान के बीच में जब लड़ाई हुई है तो वह काटा करता तो वो अब्बा बात बताओ एक बार थोड़ी हाँ ऐसे जो सुना कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई छिड़ गई तो वो लड़ाई थी अगस्त समझो गुगा के टाइम के ऊपर ऐसी लड़ाई के अंदर वहाँ हमारे पिताजी वगैरह ऐसे हथियार भी बनाने लगे कोई बाला बनाने लगे कोई गंडा साजड़ने लगे और ये सिवाने का सामान लूट खोज कर लोग बाग जाने लगे। उधर महेंद्रगढ़ नारनौल हमारा भाई भी चला गया था वहाँ लूट खोज के मामले में एक कोई पिपा उपा लिया था उसके अंदर कोई छोटे मोटे आइटम थे घर वालों को चिंता हुई कि मरेगा ऐसे ये गाड़ियों के अंदर हिंदू मुसलमान जाने लगे। ये महेंद्रगढ़ सतनाली इनके बीच में खूब काटाबाडी भी खूब हुई ऐसे लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये लड़ाई क्यों हो रही है कैसा के था इतना ज्ञान नहीं था ऐतिहासिक ज्ञान नहीं था। वैसे वजन वजन फिर चल गए थे आज़ादी के हाँ ये हमारे गुरु जी देश स्वतंत्र आज है और ऐसे कई वजन हैं मेरे संग्रह के अंदर हैं ये उमराव सिंह जी गुरु के नेता श्री सुभाष जैसे गिरगिट दुर्गादास जैसे बेटे हिंदुस्तान मिस्टर जिन्ना खान बतना जान ज्ञान में धरले भारत के रहने वालों रे करना सीखो कुर्बानी सफल जवानी होगी होगी ऐसे उमराव सिंह जी के ये वजन खूब हमने गाए हैं सीखे हैं। ये आज ये अपने नेताजी है ना इनकी धूलवा की वो अलावत अलावत के पिताजी मौली राम खेदरिया की ढाणी गढ़ था आर्य समाज का और सनातनियों का मेला गढ़ था और आज़ादी के लिए विद्रोह करने लगे था उनमें वो माल सिंह जी इनके पिताजी उन्होंने किताब छपवाई थी और इतना विरोध किया था वजन थे उनके के डूबेगी ठुकराई अन्यायी जागीरदारों की ये वजन जागीरदार कहे राज लिया है हमने तेग बजाए के हम कहते हैं डोला देकर बैठे मुंह दुबकाए के बना के मुगलों को और जमाई आप रखी तलवारों की पूरा वजन मेरे पास लिखे हुए याद है मेरे फिर तार के सर जी पचेरी के नेता थे 1/4 हमारे पूर्वज समझो हमारे बड़ के समझो वो यहाँ से चले गए शिव सिंहपुरा ठाकुर दुमकुड़ सिंह के एरिया के अंदर वहाँ बस गए तो वहाँ पर ये जब धारा नंबर 19 के कारण कैसे उपद्रव हुआ वहाँ हमारे ताऊ जी मारे गए शहीद हुए हैं ये 16 सितंबर 1944 के अंदर आज ये जागरी समस्या का नग्न रूप पचेरी की पुकार नाम की किताब तार के सब्जी छपवाई 2 जुलाई 1946 के अंदर दिल्ली के कोई प्रेस से वो किताब आज भी मौजूद है कईयों के पास और इनके नौकड़ सिंह के अत्याचारों की कहानी उसमें खूब है वो सारी। जय दादाजी थे पढ़ाई के बारे में बात करी है तो थे 10वीं तक पढ़े हाँ 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई बताई ना फिर मैंने एक बार उसके इंटर के फार्म भरे इंटर 12वीं तो उस समय ऐसा हुआ कि मैं यानी बालोट से मेरी बदली हुई थी दीपपुरा और दीपपुरा से फिर मैंने म्यूचुअल करा लिया देवता तो वहाँ का वातावरण ऐसा था कि मैं परीक्षा नहीं दे सकता वो ऐसा लिखा है होने के बुलंदी पर मेरे ख्यालात भी हैं मालूम तरक्की के मुकामात भी हैं लेकिन खुदा ने दिया है मुझे जितना सुलझा हुआ जहन उतने ही उलझे हुए मेरे हालात भी तो हालात उलझे होने के कारण मैं परीक्षा नहीं दे सका। फिर मैंने प्री यूनिवर्सिटी के फार्म भरे कि उससे हायर सेकेंडरी के बराबर हो जाता वो भी मैं परीक्षा नहीं दे सका। 1975 के अंदर मैंने कुदरतर पत्रातार से हायर सेकेंडरी के फार्म भर दिए एक दिन में नहीं पढ़ा। फिर ऐसा हुआ पचेरी सेंट भीर स्कूल में था पचेरी सेंट आ गया शाम को सारे पेपर एक पेपर दिया तो सोचा आसान है सारे पेपर दे दिए बिना पढ़े ही मतलब पास होगा। इंग्लिश में मेरे सप्लीमेंट्री आई वो मैंने बाद में वो तोड़ दी लेकिन आगे फिर मैंने नहीं पढ़ाई गई। फिर ये जहन भी गाने बजाने वाला ये भी तो था ना
अच्छा, तारे गाना बजाने को भी कुछ ज्यादा ही हो। बजाने का सारा साज का तो मैं माहिर हूँ, फकत एक हारमोनियम का, बिजली के ये जो है हारमोनियम की तरफ जितने साज बजते वो सब बजा लेता हूँ। मेरे ऊपर ऐसा रहे बच्चे ने हारमोनियम ला कर दिया था 1000, अब मेरे पास में वो कुछ नहीं है, मैंने दे दिए कर दिए, लोगों को बांट दिए, कोई बच्चे ले गए दिल्ली ले गए, कोई ये ले गया कोई इसी गाने में सुधारने के लिए। साज का माहिर तो मैं ऐसा था, उंगली के साज। गाने का फिर ऐसा है कि बजाने वाले आप बजाएंगे, गाने वाला मैं गाऊँगा। मान लो रिटायर होने के बाद में फिर सत्संग प्रोग्राम में चले लें, कहीं छठी वगैरह में जाने लगे। दादाजी थे रिटायर कब हो या फिर? रिटायर 31 जुलाई 1993 में रिटायर हुआ था। वजह था पढ़ाई का साथ साथ में ही मनिया लगा है कि टीचर तो कई बार अयें भी जाया करे ना कि भाई खुद को भी रोल हुआ है, फिर देना कठिन कठे मन में भी कुने पर एक तुक्का भी लग जाए ना, टीचर तो लख थारो अच्छे हो पढ़ा लिखा जा थी लागा, पर थारो गाना बजाने में पढ़ाई भी ज्यादा एक खूब भाई बात है। देखो कोई भी इंसान उम्र हो जाए है धीरे धीरे तो वो एक गलो भी को नहीं रहे भाई, साथ बात के ऊपर निभाती हूँ, साथ साथ तो निभाते ही, पर दादाजी अब देखो उम्र भी तो है ना कोई चीज कई काम का। दादाजी पहले यहाँ जाए मान लो शादी विवाह है भाई की तरीका करता? शादी ब्याह वाली तो बात ये है, ये अपने एक मासी जी थे वो भगत सिंह विश्वासन के, तो उन्होंने बताया था भजन में ये कलाखरी स्कूल का चंदा करके उन्होंने कलाखरी स्कूल बनवाई थी, तो उन्होंने ऐसे कहा है कि चातर सित में करो विचार, जिंदे हैं जो कई हजार, जिंदे भी वो मुर्दे, वो जिंदे भी मुर्दे के समान है, वो कैसे उनको बताए। पूरा भजन सुनाओ, पहला टेक ब्राह्मणों पर किया। सास बहू का अनुचित प्यार, दिन और रात रहे तकरार, माँ बेटी का है कायदा है सासू बहू का, तो क्यों भाई अरे उनको चोट लूंगा हाथ में, उनको चोट लूंगा हाथ में, जिंदा है कि? ये देखो ब्याह सगाई की बात, के दिन के दादा ब्याह कंधार, आदरणवा का फिरे लंगार, जिंदे ना वो मुर्दे हैं। प्रमाण मिलता है किसी कवि का वचन सजा लो रहते एक समान, कभी विदेशी कहा करे थे हमें अपना ही मेहमान, अमेरिका में अर्जुन ब्याहे, हमारी थी रिश्तेदारी, अमेरिका में अर्जुन ब्याहे, पांडव ब्याहे, ईरान राजा धृतराष्ट्र ब्याहे थे, काबुल के दरम्यान जहाँ की माता गंगा है, फोरेन के अंदर अब भी शादी हो गाँव है कई, 1-5 करोड़ रुपया लगाओ है फोरेन से जाओ है कोई हरियाणा में जाट रहे थे, हैं जी वो मुर्दा के समान है, अयोग्य का कौन गोत मिला हो या बता, ये बताऊ नहीं कौन बताओ, तो पहली भी ऐसी बात थी अब भी ये बात है। ठीक है दादाजी, राम राम। राम राम। ठीक है जय की, मैं दादाजी में बातचीत करी की भाई है बहुत अच्छा, जय मैं बताऊँ तो पढ़ाई में ठीक हा, टीचर लागहारे की है, साथ साथ में ही एक कलाकार भी यहाँ के अंदर एक कलाकारी भी झलका है, 90 साल की उम्र होगी तो वही चीज है ना, गलो इतना साथ कौन दे, दांत गिर जाए तो वन में आवाज भी अपने आप ही फट जाए, अपना आप ही मतलब एक अलग आवाज आ जाए। पर दादाजी मैंने बतावा कि बेटा तेरा वीडियो वगैरह ही भी मैं देखा करूँ हूँ, तो आज अपनी पोती ने बताई है चीज की भाई ने अठे भी बुलाए, तो आके पोती के द्वारा मैं अठे पहुंची और दादाजी में बातचीत है मैं करी हूँ, बहुत बढ़िया लगे दादाजी में मिलगी। थारे भी बड़ा बुजुर्ग ही तो मन कमेंट करके जरूर बताया करो, चाहे थारी सासू माँ हो, चाहे ससुर हो, दादा दादी मम्मी पापा कोई भी एक्स वाई जेड हो, मैं बैठे आऊंगी और बन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो मिलेगा। जय हिंद जय राजस्थान।